नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी का उत्तराखंड दौरा। टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का किया शिलान्यास, हरिद्वार को कई विकास कार्यों की सौगात। मनभूलपुरा में हुई हिंसा से प्रशासन को भारी नुकसान, 2,44,00,000 रुपए का फिलहाल आकलन नहीं। वहीं 127 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, हल्द्वानी में छठे दिन भी कर्फ्यू। राजनीतिक दलों का अब लोकसभा चुनाव पर फोकस, अग्निवीर योजना के विरोध में जुटी यूथ कांग्रेस, निकालेंगे प्रदेश में पदयात्रा। वहीं बीजेपी का सोशल मीडिया पर जोर। रुड़की के मनीषा हत्याकांड में बड़ी सफलता, शव गंग नहर से बरामद, हत्या में शामिल पति सहित एक और आरोपी हो चुका है गिरफ्तार। मौसम विभाग ने एक बार फिर जारी किया पूर्वानुमान, पहाड़ी हिस्सों में करवट बदल सकता है मौसम, अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी। खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने टनकपुर के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड 2024 की समाप्ति तक विश्व स्तरीय सड़कों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंपावत के गुरु गोरखनाथ धाम में रोप वे का निर्माण किया जाएगा और केंद्रीय सड़क निधि से राज्य को 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर भूपतवाला क्षेत्र में लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिल जाएगी। NH 34 पर बनकर तैयार हुए 3 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर को मंगलवार को यातायात के लिए खोल दिया गया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार पहुंचकर इस फ्लाईओवर समेत कुल 4,750 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में NHI की एक हम सभी का परिवार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उत्तराखंड में 2014 में 2,517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3,608 किलोमीटर हुई है। अभी तक जो प्रोजेक्ट हुए और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 1,00,000 करोड़ के हैं और करीब मंजूर करने वाले प्रोजेक्ट और 60,000 करोड़ के हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में जब प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो उत्तराखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे विभाग से 2,00,000 करोड़ रुपए के कार्य होंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। ऑल वेदर सड़क परियोजना के एक बड़े हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो बहुत सुगम बनाई जा रही है। उसी का प्रतिफल है कि जहाँ कुछ लाखों में यात्री आते थे इस वर्ष 56,00,000 यात्री आए हैं। 56,00,000 यात्रियों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। हमारा राज्य छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी राज्य के अंदर 21 स्टेट हाईवे, 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे हैं। प्रदेश में सड़कों की दशा में पहले से अद्भुत रूप से विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। डोईवाला के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर फेज 2 नया टर्मिनल बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग फेज 2 बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि तकरीबन 486 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। फेज 2 के बन जाने से टर्मिनल 12 गुना बड़ा हो जाएगा, जिसका कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधिवत लोकार्पण करेंगे। साथ ही केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से मौजूद रहेंगे। फेज 1 और फेज 2, फेज 1 हमारा 2021 में स्टार्ट हो गया था, फेज 2 का काम जो है कंप्लीट हुआ है, जिसे कल इनॉग्रेट हो रही है बिल्डिंग। इसकी टोटल कॉस्ट
486 करोड़ रुपए आई है। पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी क्षमता जो है 4 लाख पैसेंजर पर एनम थी, जो अभी ये 47 लाख हो जाएगी, लगभग 12 गुना ये बिल्डिंग बड़ी हो जाएगी। जोली कांट एयरपोर्ट है जो हमारे सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो और विस्तार ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग जैसा अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये 486 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, जो मुझे याद आया जब ये कह रहे थे कि शुरू में हम 4 लाख की क्षमता की पूरे वर्ष में यात्रियों को समाहित करने की, तो आज इसको बनने के बाद 47 लाख हो जाएगी। कितने गुना, कहाँ 4 लाख कहाँ 47 लाख। तो निश्चित रूप से इस एयरपोर्ट में बहुत विस्तार किया है। इस वक्त जो हम मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो फेज़ 2 का टर्मिनल है वो बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसमें कल माननीय मुख्यमंत्री जो है इसका लोकार्पण करने यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय विमानपतन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी वर्चुअल माध्यम से यहाँ जुड़े रहेंगे और तमाम मंत्री सांसद यहाँ कल मौजूद रहेंगे। अभी कुछ देर बाद ही रमेश पोखरियाल निशंक इसका निरीक्षण करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। कल लोकार्पण के बाद यह फेज़ 2 का टर्मिनल जोली ग्रांट एयरपोर्ट द्वारा आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। देहरादून के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भोजन की व्यवस्था के लिए इस्कॉन संस्था ने आज एक पहल की है। इस्कॉन संस्था द्वारा की गई इस पहल के ओपनिंग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस्कॉन संस्था की जमकर तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि दून हॉस्पिटल में मरीज को तो खाना उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन तीमारदार जो कि मरीज के साथ रहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस्कॉन संस्था ने ये कमी भी पूरी कर दी। मंत्री धन सिंह रावत ने इस्कॉन संस्था के लिए दून हॉस्पिटल और श्रीनगर में रसोई बनाने के लिए 1 बीघा जमीन देने को कहा, तो वहीं 2 संस्कृत विद्यालय देने की घोषणा भी की। सबसे पहले तो मैं इस्कॉन देहरादून का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक काफी दिनों से दिक्कत थी कि हम मरीजों को तो खाना देते हैं हॉस्पिटल में, पर उनके साथ जो गरीब तीमारदार आते हैं उनके लिए खाना नहीं मिल पाता था। इसलिए इस्कॉन की तरफ से अब पर डे जितने भी तीमारदार आएंगे उनको यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। और आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं मेडिकल कॉलेज की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस्कॉन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। रुड़की में मनीषा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मनीषा का शव गंग नहर से बरामद हुआ है। 7 फरवरी को मनीषा के पति ने 112 पर झूठी सूचना मनीषा की हत्या की दी थी, तो वहीं मनीषा की हत्या में शामिल पति सहित एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मृतका मनीषा के शव को पुलिस की निगरानी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। खबर काशीपुर से, जहां छात्रा पर जानलेवा हमला करने के मामला सामने आया है। ये मामला एक तरफा इश्क का है, जहां सिफरे आसिक ने बेखौफ होकर छात्रा पर पाटल से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने हमलावर और उसके साथी को गिरफ्तार किया और कार्रवाई में जुट गई। कि एक 2 व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के ऊपर जानलेवा हमला करने की नियत से उसके ऊपर हमला किया गया है, जिसके ऊपर हमने इमीडिएटली FIR पंजीकृत की गई। और क्योंकि ऐसी जगह पे एक पूरे वैसे इलाके में हुआ था जहाँ पे रोज़ आवाजाही रहती है, उसको संवेदनशीलता से लेते हुए SSP सर द्वारा इमीडिएटली इसमें FIR पंजीकृत करने के आदेश हुए। उसके बाद हमने इसकी जगह जगह पर टीम्स बनाई हैं, इसके घर में मुरादाबाद में इसके हर रिलेटिव के यहाँ दबिश दी गई और कम से कम सिर्फ 8 घंटे में मात्र इनकी गिरफ्तारी की गई है।
एक तरफ जहां किसानों को दिल्ली कूच करने से रोके जाने की खबर रुड़की के किसानों को मिली तो उनमें रोष व्याप्त हो गया। किसानों का कहना है कि सरकार की तानाशाही है जो अन्नदाता को अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि जिन किसानों को रोकने के लिए आर्मी का सहारा लिया जा रहा है, ये आर्मी के जवान भी उन्हीं किसानों के बेटे या भाई हैं। जिस तरह किसानों के साथ किया जा रहा है वो तानाशाही सरकार कर रही है, इसे बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा उस पर हम पूरा करेंगे। अगर मैं दिल्ली जाने के लिए कहा जाएगा दिल्ली जाएंगे। अभी शाम तक जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि शाम तक हम देख रहे हैं, और जैसे भी हम फिर हमारा अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, मीटिंग होगी, उसके आधार पर हम जाएंगे वहाँ। युद्ध यहाँ से किसानों के साथ लड़ना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के साथ लड़ना चाह रहे हैं, इनका रवैया तो किसान वहाँ से बॉर्डरों पर कोई क्या मतलब भाई। युद्ध जैसे हालात हो ऐसा कौन सा हम तोप लेके जा रहा है, किसान वहाँ से बंदूक लेके जा रहा है, जो वहाँ से इतनी बड़ी मिलिट्री लगाई गई, जहाँ मिलिट्री लगाने की बात है वहाँ तो मिलिट्री लगती नहीं। एक किसान को परेशान करा जा रहा है, वहाँ की युद्ध जैसे हालात कर दिए, अरे किसान तो क्या लड़ोगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी जहां नेटवर्क के अभाव में आज भी कई गांव परेशान हैं, जिसका सीधा असर आज की युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है, जिसके कारण शिक्षा के नाम पर यहां से बड़ी मात्रा में पलायन भी हुआ। वहीं छात्रों की पीड़ा को देखकर यहां के युवाओं ने यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की है, जिसमें निःशुल्क वाईफाई के साथ छात्रों को आधुनिक तकनीकी के साथ परीक्षाओं की तैयारियों का मौका दिया जा रहा है। उत्तरकाशी में हमने लाइब्रेरी की स्तर और शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया है कि हमने अपनी एक लाइब्रेरी खोली है जिसकी दो ब्रांचेस है, एक भैरव चौक में, एक जोशियाड़ा में। आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं, दूर दूर से आते हैं बच्चे, कई बच्चों का ऐसा होता है कि घर में ना पढ़ के चाहते कि हमें एक माहौल मिले, तो हमने वो प्रयास किया है माहौल देने का। ये सरस्वती लाइब्रेरी, यहाँ हमारी सारी सुविधाएँ हैं, इन्वर्टर से लेकर आपका RO, यहाँ पर आपका वाईफाई, सभी चीज़ें हैं। जब हम भी तैयारी करते थे, मैं भी करता था उस टाइम जब कोचिंग ज़्यादा था, तो लाइब्रेरी का स्कोप उत्तरकाशी में नहीं थी, आज बहुत खुल चुकी है, बढ़िया है। जिस किसी चीज़ को शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रयास किया, उसमें औरों ने भी मेहनत की है। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चा क्या होता है कि चाहता है कि मुझे एक माहौल मिले, मुझे एक ऐसा पर्सनल डेस्क मिले, वाईफाई मिले, सब कुछ सुविधाओं के साथ बच्चा बहुत मेहनत करता है। उसे अगर वही प्रयास हमने किया है सुविधा देने का, दूर दूर से बच्चे आते हैं और सभी अपनी तैयारियां करते हैं, कई बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। प्रत्येक पेपर में हमारी लाइब्रेरी से कम 10 से 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है दोनों लाइब्रेरियों से मिला के। पर ये हम इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी में एक अच्छा माहौल रहता है, और घर से काफ़ी पास भी है लाइब्रेरी, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है पढ़ने के लिए। और मतलब यहाँ पे माहौल भी इतना अच्छा है कि मतलब घर में इतना नहीं निकल पाता है टाइम पढ़ाई के लिए, यहाँ पे काफ़ी 7 से 8 घंटे निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी खुलना एक बहुत अच्छा है। अज्ञात अराजक तत्वों ने लोहाघाट के डिग्री कॉलेज इराकोट रोड में भूमलाई के पास जंगल में आग लगा दी, जिस कारण बाज और बुरास के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा। पर्यावरण प्रेमी सुरेश जोशी ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए वन विभाग से अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की। लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर वन कर्मियों को आग बुझाने के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने लोगों से जंगलों में आग न लगाने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से किसान वर्गों में खुशी की लहर है। मंगलौर के लिब्बर हेड़ी गांव में किसानों द्वारा केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही सभी लोगों ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, चौधरी साहब के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। निसंदेह ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, जिससे न केवल एक वर्ग विशेष बल्कि पूरा किसान वर्ग, पूरा किसान समूह इससे गौरवान्वित है।
हम बार बार इस भारत रत्न दिए जाने को के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि बहुत पहले ही ये सम्मान चौधरी साहब को दिया जाना था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने चौधरी साहब की उपेक्षा की और उन्हें जिस सम्मान के वो हकदार थे वो कभी दिया नहीं। लेकिन आज हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के एक ऐसे किसान नेता को, जो एक किसान परिवार से निकलकर इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने अनेकों आदर्श स्थापित किए, ऐसे व्यक्तित्व को इस सम्मान दिया है, ये भारत रत्न। हम उसका हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद करते हैं। लोकसभा के मध्य प्रदेश भाजपा संगठन लाभार्थी सम्मेलन चला रही है, जिसमें केंद्र और राज्य के लाभार्थियों को सीधा जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। सम्मेलन की लोकसभा क्षेत्रों से लेकर ब्लॉक स्तर तक आयोजित इसको कराया जाएगा, ताकि पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रचंड जीत का लक्ष्य प्राप्त कर सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार में हर वर्ग के व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है, जिसके चलते अब पार्टी उन्हीं कामों की बदौलत जन जन तक पहुंचेगी। देखिए, अभी पूरे प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हम लोगों ने जिन जिन जनों तक, जिन जिन मतदाताओं तक, जिन जिन नागरिकों तक पहुंचाई थी, उन सभी से भारतीय जनता पार्टी का एक संपर्क का अभियान है। और उस संपर्क अभियान के तहत अभी लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं, उसमें हमारा पौड़ी का सम्मेलन हुआ है, आज हरिद्वार अल्मोड़े का सम्मेलन है, और उसके तत्पश्चात ये लाभार्थी सम्मेलन लोकसभा के बाद सीधे मंडल स्तर पर होने, और मंडल स्तर के बाद बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं को वो सूचियां सारी दी जाएंगी जिनको किसी न किसी रूप में मोदी जी की सरकार का और धामी जी की सरकार का लाभ मिला है, उन सब से भारतीय जनता पार्टी का संपर्क करने का एक अभियान है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अमित रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा पर प्रचंड जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य योजनाएं खस्ताहाल हैं। सरकार ने युवाओं के विभिन्न योजना संचालित करने की बड़ी बड़ी बात कह रही है, लेकिन कई योजनाएं नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की जोर शोर से तैयारियां हैं, और जिस प्रकार से अल्मोड़ा जिला के जो सांसद महोदय हैं, जिन्होंने एक बार भी सल्ट क्षेत्र में या अपने सल्ट क्षेत्र के हैं या फिर अल्मोड़ा क्षेत्र में ना तो उनकी शकल दिखाई दी 5 सालों में, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और इस बार कांग्रेस प्रचंड जीत से अल्मोड़ा सांसद सीट को जीतने का काम करेगी। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो कथनी इनकी हो रही है वो उसका वास्तविक रूप में अगर हम धरातल पर देखें तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कोई भी विकास कार्य को अगर देखें कि जो जितने बड़े बड़े जुमले इनके द्वारा दिए गए थे, गड्ढा मुक्त सड़क, शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, सब आज कथनी में ही दिख रहे हैं, धरातल पर कुछ भी चीज नहीं दिख पा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। वहीं यूथ कांग्रेस अब प्रदेश कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड में काम कर रही है। तो इसी को देखते हुए यूथ कांग्रेस अग्निवीर योजना में विरोध में पद यात्रा का आयोजन कर रही है। क्योंकि युवाओं को जो है अधिकांश नौकरी मिल चुकी है और कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, शायद अभी भी जो है कांग्रेस के लोग उठे वो तो सुबह से 5-स्टार संस्कृति में रहने के आदि हैं। कांग्रेस के लोग सुबह उठते नहीं हैं, सुबह उठे 5 बजे देखें सड़कों पर कितने युवा तैयारी कर रहे हैं, और आंकड़े देखें कि उत्तराखंड से कितने युवाओं ने अग्निवीर में जो है भर्ती प्रक्रिया को अपनाया और वो भर्ती हुए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है पैदल हो चुकी है, इसलिए वो पदयात्रा निकाल रही है। इस प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने कांग्रेस को पदयात्रा लायक ही छोड़ा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है।
राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में खादी ग्रामोद्योग विकास योजना जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मनोज कुमार अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार ने किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन शिविर में देश और प्रदेश भर के 70 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर खादी के बने सामान को बिक्री के लिए रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज यहाँ पर स्टेट लेवल एग्जीबिशन खादी की आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 70 स्टॉल होंगे, जहाँ पूरे देश भर की आत्मनिर्भर भारत की झलक यहाँ दिखाई देगी। मैं उत्तराखंड के मेरे सभी साथियों को, देहरादून के साथियों को आह्वान करता हूं कि वो यहां आएं और आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में लोकल उत्पाद खरीदें, क्योंकि स्थानीय लोग जब स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो स्थानीय कारीगरों को एक नया भरोसा मिलता है। साथियों, उत्तराखंड में खादी की करीब 40 संस्थाओं के माध्यम से करीब 11,000 लोगों को रोजगार देने का काम हमारा विभाग करता है। आज यहाँ पर उन सभी लोगों के हाथ से बनाए हुए, मेहनत से बनाए हुए उत्पादों को स्टेट लेवल एग्जीबिशन के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।